सर एक और चीज उत्तर प्रदेश में हवा चल रही थी, गोरखपुर में 4 रात 5 दिन संभवतः संघ प्रमुख रुके, और उस बीच में 2 बार गोरखपुर जाना हुआ योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। खबर ये बन गई थी कि योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात हुई, अब ये चीजें साफ हो गई है कि दोनों की कोई भेंट नहीं हुई। आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? मनीष जी, बड़ी चर्चा है 4 तारीख के बाद से, और संभवतः सबसे पहले मैंने इसकी छेड़ा था। उसके बाद पूरे अखबारों में पता नहीं कितने लेख लिखे गए, कितने अखबार न्यूज चैनलों में, तो खैर वो 5 से 11 परमानेंट वाला कार्यक्रम है, रोज ही डिबेट में चर्चा है। भागवत जी ने कुछ कह दिया, इंद्रेश ने कुछ कह दिया, उसके बाद नड्डा का बयान आज भी चर्चा में है। ये पूरी कलह चल रही है 2004 के परिणाम के बाद से, आज 14 दिन हो गए। आज मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ मनीष जी, और दर्शक मेरी बात से सहमत हो गए, क्योंकि तो अब इस प्रपंच में करने कोई फायदा नहीं, सबकी निगाह थी, और योगी संभवतः इसीलिए गोरखपुर गए भी थे, वो मिलना चाहते थे, लेकिन पता चला कि संघ प्रमुख नहीं मिले, नाराज है, नाराज है या क्या है, भगवान जाने क्या कारण है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आके वो 5 दिन रुकेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मिलने गया तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, जो खबरें आ रही कि उन्होंने भेंट नहीं की। ये जरा ये वो उस संघ के प्रमुख हैं जो संघ ये कहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री अहंकारी है। जरा अब दर्शक इसको समझें, यहां से सिरा शुरू होता है कि 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में संघ प्रमुख आए, उनसे मिलने गया तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया, अहंकारी मोदी है कि योगी है भी तय कर ले आप। मेरा मानना मनीष जी यह है, दर्शक इसको नोट कर लीजिए, ये आज से वायरल होगा, इस संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी या भाजपा कह लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो आए हैं, इससे पहले अटल जी थे प्रधानमंत्री, कि ये जो रिश्ता है, ये त्रिकोण है, एक संबंधों का त्रिकोण है मनीष जी, सास बहू और बेटा, ये संघ संघ का, भाजपा का, और एक तीसरा तीसरा अभी बताऊंगा, इसमें सास कौन है, बहू कौन है, बेटा कौन है, ये त्रिकोण है, और ये त्रिकोण कभी चौकोर ना तो गोल होगा ना चौकोर होगा, ये हमेशा त्रिकोण ही रहेगा। अब बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मनी, ये सास बहू बेटा वाला संबंध क्यों है, जो मैं को बड़ा ऑफेंस ना ले ले कि क्यों, जो हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल में दिखाया जाता है, या जो एक पारंपरिक छवि है कि सास बहू की कभी नहीं पटती, इसमें मनीष जी सास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बेटा है भाजपा, वो कहते भी मातृ संस्था है मेरी, कि हम लोग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकले हैं, पिछले 99 साल का इतिहास है, तो 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो मातृ संस्था, तो माँ बेटा तो हो गए संघ और भाजपा, इसमें बहू कौन है उन्हें जिसकी कभी सास से नहीं पटती, पिछले 50 साल का इतिहास है कि बहू से पटी नहीं रही, बहू है मनीष जी सत्ता। जब जैसे ही भाजपा सत्ता को लेके आती है, पता चला सास नाराज हो गई, कहीं वो ये कमी है और वो कमी है, इसमें ये नहीं करता, ये काम नहीं करती, ये काम नहीं करती, इतनी कमियां उस सत्ता में निकाल देते हैं कि आखिर वो या तो सत्ता खुद ही भाग जाती है बहू, या वो लड़का कहता है तुम जाओ पीछा छोड़ो मेरा जीना हराम हो चुका है। तो ये जो सास बहू बेटे का रिश्ता है, इसमें जो बहू है उसके साथ सास की पटी नहीं रही, पता नहीं क्या चाहती है सास, और पता नहीं क्या उस बहू के अंदर कमियां हैं कि सत्ता सत्ता की सास आरएसएस बन जाती है, और वो अंत में, चाहे वो अटल जी का कार्यकाल रहा हो, नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल रहा हो, या राज्यों में भी जहां चली वहां पटने नहीं दी, वहां नाक में दम कर दिया सास में, और वही काम अब हो रहा है, यानी योगी जैसे व्यक्ति की सत्ता रास नहीं आ रही सास में। तो ये सास बहू बेटे का बड़ा अजीब सा रिश्ता है, बड़ा जटिल रिश्ता है, और ना ये त्रिकोण जो बना है ये चौकोर हो ही नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, और यही रिश्ता है, यही पूरी तरह से इनके आरएसएस भाजपा और सरकार सत्ता जिसे कहते हैं उनके संबंधों को व्याख्यायित कर देती है, कि जैसे ही भाजपा जब विपक्ष में बैठी हो, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो, बड़ा लाड़ दुलार हो, बिल्कुल एकदम क्या पावे क्या भाजपा के लिए कर दे, यही चलता है, और जैसे ही भाजपा के पास सत्ता यानी उसको बहू मिलती है भाजपा को, और सास की ताने झाने और लड़ना झगड़ना कलह करना कलेश करना वो सारा काम शुरू हो जाता है। तो बस इतना ही रिश्ता है। अब आप दर्शकों से कहूंगा इस चक्कर में मत पड़िए कि योगी से क्यों नहीं मिलेगी, इससे सब पतंगबाजी हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो योगी कुछ बोले हैं, ना भागवत कुछ बोले हैं,
ये आकलन और अटकल छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ये इनका 50 साल का इतिहास है ये, कि जय इनको पचती रही है, इनको विपक्ष में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे विपक्ष से आप सत्ता में आए, इनकी तुरंत ताना कसी शुरू, टांटबाजी, और उसके बाद कहाँ से पाओ क्या कलह कर डाले। और अभी आपने ये देख ही लिया कि कैसी कलह हो गई, यानी बहू के भाग जाने की पूरी तैयारी थी कि बहू घर छोड़ के भाग जाए, बेटे को छोड़ के भाग जाए, सत्ता ना रहे भाजपा के पास। लेकिन वो तो कहे बहू कुछ आ गई भी दबाव में, कह लीजिए जैसे भी अभी वो है, लेकिन इनकी पूरी अभी भी उसी प्रयास में है ये। मतलब आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको समझाया एक नए रोचक ढंग से, और ये चीजें हाँ तो हाँ वायरल होनी चाहिए, मुझे लगता है वायरल होनी चाहिए। हाँ